खबर इंडिया 7। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में टेलीकॉम वार शुरू हो चुका है। इस वार में दो कंपनियां भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो प्रमुख हैं। दोनों ही कंपनियां अपने यूजर्स को बनाए रखने के लिए हर दिन नए नए प्लान और ऑफर्स पेश कर रही हैं। लेकिन इस वॉर में अब बीएसएनएल के बाद पब्लिक सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल भी शामिल हो गई है। खबर है कि एमटीएनएल ने गत सोमवार को 197 रुपए का धमाकेदार टैरिफ प्लान पेश किया है। उक्त प्लान जियो समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों से सस्ता भी है। गौरतलब है कि 197 रुपए के इस टैरिफ प्लान को पेश करने के साथ ही अब एमटीएनएल एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई है जो जियो और एयरटेल से भी सस्ता डाटा उपलब्ध करा रही है। आपको यह भी बता दें कि फिलहाल कंपनी ने यह प्लान मुंबई और दिल्ली सर्किल में पेश किया है। कंपनी द्वारा बताया गया है कि उसने यह प्लान फरवरी में ट्रायल के रूप में 90 दिनों के लिए पेश किया था, जिसे यूजर्स द्वारा पसंद किए जाने पर परमानेंट लॉन्च कर दिया गया है। एमटीएनएल ने अपने 197 रुपए वाले टैरिफ प्लान को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ पेश किया है। इसके अंतर्गत 2 GB डाटा प्रतिदिन यानी 56 GB कुल डेटा दिया जाएगा। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए